दोस्तों, दिल्ली में मैच के दौरान हंसते हुए बातचीत करते हुए पूर्व कप्तान विराट कोहली और अफगानिस्तान के पेसर नवीन उल हक की तस्वीरें वायरल हुई है और नवीन उल हक ने कहा, हमने हाथ मिलाए और कहा चलो अनबन खत्म करें। दोस्तों, दोनों के बीच आईपीएल 2023 के मैच में बहस हुई थी। दोस्तों, अगली खबर रोहित शर्मा से जुड़ी हुई है। रोहित शर्मा द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में कई रिकॉर्ड तोड़े जाने के बाद बीबीएस लक्ष्मण ने उनका 12 साल पुराना ट्वीट शेयर किया है। ट्वीट में रोहित शर्मा ने विश्व कप 2011 में नहीं चुने जाने पर निराशा जताई थी। लक्ष्मण ने लिखा, वहां से सर्वाधिक विश्व कप शतक जड़ने वाले क्रिकेटर बनने तक इससे साबित होता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 131 रन बनाकर वनडे विश्व कप में शतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए। उन्होंने विश्व कप के इतिहास में किसी भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। दोस्तों, रिपोर्ट है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 29 अक्टूबर को भारत आएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच के लिए लखनऊ आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुनक की भारत यात्रा 28 अक्टूबर को हो सकती है और इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर होने की संभावना। दोस्तों, बुधवार को दूसरी जीत दर्ज करने के बाद भारत 4 अंक और प्लस 1.500 के नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इतने ही अंकों वाले न्यूजीलैंड और पाकिस्तान बेहतर व कम रन रेट के साथ न्यूजीलैंड पहले नंबर पर और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर बना है। दोस्तों, अगली खबर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से जुड़ी हुई है। बाबर आजम ने मंगलवार को वनडे मैच के दौरान हैदराबाद के ग्राउंड स्टाफ को पाकिस्तान की जर्सी गिफ्ट की। आईसीसी ने बाबर के जेस्चर को शानदार बताया। पाकिस्तानी टीम 27 सितंबर से हैदराबाद में ही थी और उन्हें वहां विश्व कप के अपने मैच और अपने पहले दो मैच भी खेले। दोस्तों, आपको बता दें कि अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान वनडे मैच से पहले भारतीय ओपनर सुमन गिल बुधवार को चेन्नई से अहमदाबाद पहुंच गए। सुमन गिल को हाल ही में डेंगू हुआ था और वह इससे रिकवर हो रहे हैं। जैसे मैं पता है कि डेंगू होने के कारण सुमन गिल अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल पाए थे। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को अमिताभ बच्चन को उनके 81 जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर केबीसी स्टाइल में सवाल पूछते हुए लिखा, अमिताभ बच्चन कौन है? ए सुपरस्टार, बी आइकॉन, सी लेजेंड और डी इनमें से सभी। इसके साथ सचिन ने लिखा, इतने वर्षों से आपने सभी से सवाल पूछा है, आज मैं आपके लिए सभी से सवाल पूछता हूँ। दोस्तों, ऐसे खेल से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।